ये सिंह ट्रेडर्स के नाम से सामने दुकान है, और ये गोयल गैलेक्सी गेस्ट हाउस बराबर में। और इसके बाद मैं कहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति, ये 50 मीटर पर रोड बस स्टैंड जैसे 150 मीटर पर। और यहाँ से कुमार मेडिकल स्टोर 100 मीटर पर, और ये बराबर में ही प्राइवेट बस स्टैंड हुआ करता है, मेन बाज़ार है ये। मेन बाज़ार ये भी ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से रोड है, और ये लिमिट बना के बात के तुरंत मिल गया चला। तो ये हमारा इधर की साइड बाज़ार हो गया, तो आप बाज़ार की साइड भी जा सकते हैं। तो ये हमारा इधर की साइड अब हमारा हाईवे हो गया और सुभाष चंद्र चौक की तरफ। और यहाँ पर मैं आप सभी बंदों को दिखा देता हूँ, इधर अंदर को चलते हैं, और ये अंदर को आप सभी बंदों को नई प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं, और इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कम से कम रेट में और बढ़िया से बढ़िया प्रॉपर्टी दिखा देने वाले हैं। तो हम चलने वाले हैं अंदर को, तो मैं आप सभी बंदों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाने वाली है, तो देख लीजिए ऊपर को ये छत है, और ये हमारी गली हो जाने वाली है, और यहाँ पर आप अपनी बाइक भी खड़ी कर सकते हो। तो ये रहा हमारा घर, चलिए हम आपसे बंदों को अंदर से दिखाते हैं। तो ये हमारा नीचे हॉल आ गया, तो मैं आपसे बंदों को अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा टॉयलेट हो गया, और इधर हमारे तीन रूम है, इधर दो रूम, काफ़ी बड़ा रूम है। तो फ़िलहाल थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, तो अंदर से भी दिखा देता हूँ। दूसरा रूम ये हो जाने वाला है, और यहाँ पर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं। तो देख लीजिए ये दो रूम हो जाने वाले हैं, और मैं आपसे बंदों को ऊपर से भी दिखा देता हूँ। और काफ़ी बड़ा जगह है यहाँ पर, आप अपनी बाइक या कुछ भी खड़ी कर सकते हैं, मगर कार की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आप अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बाइक भी। तो देख लीजिए हम ऊपर चलते हैं, और आपसे भी बंदों को अच्छे से रूम दिखाते हैं। तो ये हमारा नीचे का गोदाम हो गया, तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं। और यहाँ सर ऊपर को थर्ड फ्लोर पे जाने का रास्ता है, और आप इधर से लोकेशन भी देख सकते हैं। तो मैं आप सभी बंदों को रूम अंदर से भी दिखाता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर आप अपने मेहमान आए या कोई भी आए, तो इधर हमारा बाथरूम हो गया, और यहाँ पर मेहमान की भी आवश्यकता रख सकते हैं। और ये हमारा इधर की साइड किचन हो गया, काफ़ी बड़ा किचन है, तो आप देख लीजिए। उधर की साइड आप इधर वाशिंग मशीन, आप यहाँ से बालकनी भी है, और इधर की साइड बाहर का भी रास्ता है। तो आप सभी बंदे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लोकेशन है, और हाईवे के पास है। तो ये हमारा बाथरूम हो गया, तो एक रूम ये है, यहाँ पर आप हमारा मंदिर है, यहाँ पर आप अपना रूम भी बना सकते हो चाहो तो। ये मंदिर है फिलहाल, तो मैं आपको सेकेंड रूम भी दिखा देता हूँ। तो एक ये रूम हो जाने वाला है हमारा सेकंड वाला रूम, और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से बनाया गया है इसे, और आप सभी बंदों को दिखा देता हूँ। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा रूम है, और यहाँ पर आप अपना बेड भी रख सकते हो, सिंगल डबल बेड भी रख सकते हो काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है, और काफ़ी बड़ा कमरा है। और आप सभी बंदों को थर्ड वाला रूम भी आप सभी बंदों को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा थर्ड वाला रूम हो जाने वाला है, तो काफ़ी अच्छे से बना हुआ है। और ये हमारे दो रूम हैं फिलहाल तो यहाँ पर, और आप सभी बंदों को दिखा दिए हैं। और यहाँ वहाँ पर मंदिर है तीसरे रूम में, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे से बनाया गया है ये। और यहाँ पर आप अपना फर्नीचर काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, यहाँ पर डबल बेड आ सकते हैं दोनों रूमों में। और मैं आप सभी बंदों को थर्ड फ्लोर पर ले करके चलता हूँ, चलिए। तो ये अब हम अपने थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं, और मैं आपसे बंदों को ऊपर से भी लोकेशन दिखा देने वाला हूँ थर्ड फ्लोर की। और यहाँ पर आप अपने सामान भी रख सकते हैं, और आप छत पर कुछ काम करना चाहो तो काम भी कर सकते हैं। तो एक रूम ये हो गया, जितना बड़ा रूम नीचे था उतना ही बड़ा है रूम, और यहाँ पर आप अपना काम भी कर सकते हो काफ़ी अच्छे से, और कुछ बनाना चाहो या कुछ काम करना चाहो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से हो सकता है, चाहे तो आप अपना रूम बना सकते हो। और सेकंड रूम ये हो जाने वाला है, फ़िलहाल तो अंदर पंछी हैं, तो आप सभी बंदों को अंदर से दिखा तो नहीं सकते, माफ़ी चाहते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर अपने पैरेट वेरेट पाल रखे हैं, तो ये भी उतना ही बड़ा रूम है जो मैंने आपको दिखाया है। और ये एक और रूम हो जाने वाला है, तो यहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी बड़ा रूम है, और यहाँ पर आप लोकेशन से कर सकते हो, यहाँ पर रहने का भी आवश्यकता कर सकते हो। तो मैं आप सभी बंदों को छत भी दिखा देने वाला हूँ यहाँ से, और देख लीजिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है, आप अपनी छत पे भी आ सकते हो, ताज़ी हवाओं का आनंद ले सकते हैं।
तो हम अपने फोर्थ फ्लोर की तरफ चलते हैं। तो मैं आप सभी बंदों को छत की लोकेशन दिखा देने वाला हूँ। तो ये है हमारे सामने मास्टर शराफत हुसैन खड़े हैं, तो हम इनसे कुछ बातें पूछना चाहेंगे। अजय यहाँ बराबर में पूरी मार्केट है, बाहर की तरफ गाड़ी खड़ी करके आदमी अंदर आ सकता है। अब पूरा 30-40 फुट का थोड़ा रास्ता है, पूरी मार्केट बनी हुई है। और सामने ही ये देखिए मन भवन, क्या मन भवन है रेस्टोरेंट उसका नाम, यहाँ ये मंडप है, मंडप है। और यहाँ पर आपके पास में शिवाजी पार्क भी आ रहा है, और यहीं पे ही आपके कुछ ही कदम पर दूरी चलकर आपका वो भी आ रहा है, तो किसी दूरी पर रेलवे स्टेशन भी आ रहा है आपका, यहाँ सर इस बिल्डिंग के पास ही है। तो हम आपको बात करा देते हैं। हाँ, चंद कदम दूर पार करते के साथ ही रेलवे स्टेशन सामने आ जाता है, और रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है कि हर तरफ से यहाँ आने के लिए चारों तरफ से ऐसा हो गया है कि रोड पास में, रेलवे स्टेशन पास में, बाजार पास में और हाईवे पास में, जिसे मकान रहने के लिए ज़रूरत की जगह है वो बहुत उमदा है, बहुत अच्छा है। ओके।